हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चलो एवरीवेयर। तो आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियोस में, कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जाते वक्त का है, जब हम जा रहे हैं अपने विलेज की साइड, गांव की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिखाने वाली हूँ। गोरिखा का झाड़ू, इसकी जड़ चमकती है, सजीवन बूटी है ये। क्या बात है, इसकी जड़ चमकती है। हाँ, ये जड़ होती है ना जो, तो रात को चमकती है ये इस घास की जड़। अच्छा, कैसे पेड़ होते हैं इनके? पेड़ तो नहीं होता, ऐसे घास ही होता है, पर ऊपर नहीं जाना तो बर्खा हुई रही ना। हाँ, तब चमकुन सा हुई, मतलब तब ऊपरों सा, अभी ऊपरी नहीं रहा। और फ्रेंड्स, ये जो आपको घास दिख रही है, ये हमारे उत्तराखंड की एक तरीके से जड़ी बूटी भी है, और ये रात को चमकती है। जब बरसात हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इनकी जड़ें जो हैं रात को बहुत चमकती हैं, और ये गायों को खिलाई जाती हैं। ये बहुत ही फेमस है यहाँ के, और ये देखिए बेरी टाइप के होते हैं। तो आप बताइए जरा इनके बारे में, इनका नाम बता दो सबसे पहले। तो जिनको पता होगा वो बताएंगे। ये देखो मैं तोड़ रही हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या है। इस पे ऐसे टच करो ना। तो क्या है, तो इन्हें कहते हैं हिसोले, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, मतलब बहुत टेस्टी। अभी थोड़े गंदे हैं, वरना मैं खा के दिखाती हूँ आपको। तो मैं इनको धोऊंगी और फिर खाऊंगी, बहुत टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने स्टैचू आप देख रहे हैं, ये है तीलू रौतेला जी की, जो उत्तराखंड की झांसी की रानी है। सारी लीची रखे सूख रहे से, नहीं यहाँ फ्रीज ऐसी सूख रहे। देखो बीबी ज्यादा थी लीची से है? दादी क्या बोली, क्या लीची खाओ ना, मरमुल का लीची। ये देखिए लीचिया, ये स्पेशली रामनगर से आएंगी। देखिए चाची रामनगर से, चाची सूख गई है खाने के लिए। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, खाने का मन कर रहा तो आ जाओ भाई। सही बात है, आ जाइए आप लोग सब। तभी तो बोलो कुछ। देखो बड़ी बड़ी लीची, देखो कितनी अच्छी लीची है, ये रामनगर की लीची है। और ये हमारी छोटा छोटी जेठानी लाई परसों, मैं तो तीन चार गुच्छे खा लिए। बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही मीठी हो रही है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है। अगली बार लेके जाए तो रामनगर से ही लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पता दे देना। अगली बार खानी होगी तो मेरे को फोन कर दादी। तो ये हमारी दादी, प्यारी दादी। दादी कुछ बताइए कैसा लग रहा है? मेरी मम्मी ये सुगर पर ये बहुत खाती है, बाद में बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। बीपी से मेरा शुगर ज्यादा हो जाता है, बीपी ज्यादा हो जाती है, मैं नहीं खाने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये छोटा हमारा भांजा, ये आप सभी को हाय कर रहा है। लीची कहाँ गई आपकी? आइए बोलना लीची। ये लीची कैसी लग रही है लीची आपको? आ जाइए खाने। कैसी है, टेस्टी है? इसको बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। अच्छा, कितनी खा लिया आपने? मैंने एक गुच्छा। अच्छा, ये गुच्छा खा लिया? अरे वेरी गुड, गुच्छे के बराबर हूँ। यहाँ पे 6 बज गए हैं, और हमने सोचा कि थोड़ा, देखो यहाँ पे 6 बज गए हैं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि 4 या 5 बज रहा होगा। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, टाइम हो जाता है 6 बजे, जब तक सनसेट नहीं होता तब तक ऐसे ही उजाला सा रहता है, और एकदम से अंधेरा हो जाएगा। जैसे सनसेट होगा तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। थोड़े नदी की तरफ आ गए, ये देखिए ये यहाँ पे नदी बह रही है। अभी थोड़ी कम है, जब बरसात हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और ये जो नदी है इसका नाम न्यार नदी है। और उधर की साइड देखो फ्रेंड, बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। अगर इनकी बॉल पानी में चली गई तो इन्हें तैरना आता है और तैर के ले आएंगे। यहाँ पे जो गांव वाली लाइफ है बहुत अच्छी होती है, सुकून होता है, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं देसी तरीके से, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, कोई कार की ज़रूरत नहीं है, बस मस्त मज़े में अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं।
इंजॉयमेंट जो होता है लाइफ का वो गांव वालों बच्चे से या गांव वाले लोगों से पूछो कि लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुश रहते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा लेविस लाइफ नहीं होती है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ें जो है वो शहरों में हम मिस करते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पे डुबकी मार लूँ, और थोड़ी सी छोटी सी स्विमिंग पूल जैसी बनी हुई है और ज़्यादा गहरी भी नहीं है, और स्विम कर लूँ। हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट पानी है, मतलब जहाँ पर मैं डूब नहीं सकती। बट क्या कर सकते हैं, शाम हो चुकी है अभी, अगर सूरज ढल जाएगा तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे ठंड लग सकती है, इसलिए मैं नहीं नहा रही। फ्रेंड्स, आपने कभी टोड्स देखे लाइव? तो ये देखिए, ये जो छोटे छोटे काले काले आपको दिख रहे हैं, ये टोड्स हैं। टोड्स मतलब मेंढक के जो बच्चे होते हैं ना, वो देखिए कैसे अपनी पूंछ हिला रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए लकी यहाँ पे जो है अपने बचपन के दिनों को ताज़ा करते हुए बैट बॉल खेल रहे हैं। तो ये आया, बच्चे ने मारा, और ये देखिए मिस हो गई, मतलब भूल चुके हैं कैसे खेलते हैं। और तो फिर अभी एक धुआंधार बॉलिंग आने वाली है, और ये बल्ला घुमाते हुए, और कुछ नहीं हुआ, सिक्सर नहीं लगा, उसने कैच कर लिया। बहुत बढ़िया, शानदार बॉलिंग। एक और बॉलिंग आती हुई, और फिर से कुछ नहीं, बहुत ही उम्दा यहाँ पे बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। मज़ा आ गया इन्हें देखकर कि कितनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक और बॉलिंग पड़ी, और ये मारा छक्का, छक्का लग गया फ्रेंड, छक्का, तालियां बजाइए। और सारे बच्चे हो चुके हैं मायूस कि उनकी बॉल गुम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस सिक्सर के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।